Calas, Cruels, Crest, Course. क्वेश्चन नंबर पहला देखो, वीवीआई क्वेश्चन। इसमें ये बराबर आपको दिया है अल्फा 0 1 1, बी बराबर है 1 0 5 1, वेयर ए स्क्वायर बराबर क्या है बी है। तो देखो ए स्क्वायर बराबर बिन है, अब फाइंड क्या अल्फा, अल्फा बराबर व्हाट, ए स्क्वायर का मान निकालो, ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं डॉट ए इंटू ए, अल्फा 0 1 1 हो गया, फिर क्या होगा अल्फा 0 1 1 1 1 गुना करो। देखो यहाँ का जो एलिमेंट है उनका नाम क्या होता है A11, इनका क्या होता है A12 A21 A22, यानी ये रो होता है, ये क्या होता है कॉलम होता है, यानी पहला रो पहले कॉलम से गुना होगा, तो पहला रो ये हो गया, पहला कॉलम ये हो गया, तो अल्फा अल्फा से गुना होगा, फिर 0 1 से गुना होगा, तो क्या होगा अल्फा जोड़ 0। फिर देखो इस एलिमेंट का नाम क्या होता है A12, यानी पहला रो दूसरा कॉलम, तो पहला रो और दूसरा कॉलम ये, तो अल्फा किससे गुना होगा 0 किससे गुना होगा 0 0 प्लस क्या हो गया 0। दूसरा देखो A21, यहाँ के एलिमेंट का नाम क्या होता है A21, यानी दूसरा रो पहला कॉलम, तो दूसरा रो हो गया पहला कॉलम हो गया, तो 1 किससे गुना होगा अल्फा से, और 1 गुना क्या होगा 1 अल्फा प्लस, तो बोलो अल्फा प्लस क्या होगा 1। फिर यहाँ के एलिमेंट का नाम होता है A22, यानी दूसरा रहो दूसरा कॉलम, 1 होगा 0 से गुना, फिर 1 होगा 1 से गुना, 0 प्लस क्या हो गया 1। देखो ये कात में कवर कर रहा है जी सर, जी सर उधर अब नहीं जाएगा, ये नीचा यहाँ तक जी यहाँ तक कर रहा है, थोड़ा ऊपर ही ले जाएगा, नीचे नहीं जाना, ठीक है। तो ये अल्फा स्क्वायर हो गया जी, अल्फा जोर 1 0 0 1 इक्वल टू, इतना बराबर बी दिया सवाल से, तो ये अल्फा ए स्क्वायर का मान है। अब देखिए नाउ मतलब अब ए स्क्वायर बराबर क्या दिया है बी दिया, बी है ना, ए स्क्वायर का मान क्या है अल्फा स्क्वायर, बट अल्फा स्क्वायर 0 अल्फा स्क्वायर 0 अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 1 और 1 बराबर इज इक्वल टू 1 0 बी, बी का मान क्या है 1 0 5 1। तो देखो अल्फा का मान निकालो, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर के बराबर क्या होगा 1, अल्फा बराबर क्या होगी प्लस माइनस 1। फिर देखो फिर अल्फा प्लस 1 बराबर 2 को मान सर 1 निकालो, उसके बाद है कि अल्फा का जो मान है अल्फा जोड़ 1 बराबर क्या हो गया 5, तो अल्फा बराबर 4, अल्फा बराबर क्या हो गया 4 हो गया, तो अल्फा का जो है कह रहा है कि वास्तविक मान नहीं है, काल्पनिक मान है। एक चीज देखो अल्फा स्क्वायर बराबर 1, ये अल्फा का मान प्लस माइनस 1 निकल गया ना जी, और फिर अल्फा बराबर क्या हो गया 4 निकल गया ना, तो ये डिफरेंट 2 मान में आ गया ना, लेकिन ये नियम होना चाहिए था कि मान जो था ना कॉमन आना चाहिए था, समझ गया ना, मान जैसे इसमें 1 अल्फा बराबर प्लस माइनस 1 तो इसमें 1 आ जाता, तो एक मान हम क्या करते कॉमन ले लेते हैं, ले लेते हैं, तो इनका सही ऑप्शन क्या होगा डी होगा, इनका सही ऑप्शन क्या होगा आपको डी होगा, क्योंकि अल्फा का जो मान है वह जो है कि 1 से अधिक आ चुका है जी। तो देखो मान कितना भी आए यहाँ पर भी अल्फा का मान प्लस माइनस 1 आया, यहाँ पर अल्फा का मान या तो माइनस 1 आता या तो प्लस 1 आ जाता, तो एक मान हम लिख देते समझ गया ना, या नहीं तो ये मान सिंगले अल्फा का मान निकलता किसी ऑप्शन में रहता, किसी ऑप्शन में नहीं है, ये में है कि 1 है ठीक है, बी में है माइनस 1 है, सी में है 4 है, तो डी में ऐसा थोड़े है कि ए बी सी नहीं,
इसलिए इनका सही ऑप्शन क्या होगा, डी अल्फा का वास्तविक मान नहीं है। ऑब्जेक्टिव ए बराबर क्या है 1 2 4 2, मैट्रिक्स ए बराबर क्या है 1 2 4 2। अब मान आपको करना है देन तब डिटरमिनेंट टू ए फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है 2a है ना, यहाँ पर क्या है 2a। तो सिंपल बात कि 2a है तो मैट्रिक्स में क्या होगा, दो गुना होगा, तो 2a यानी इसके एलिमेंट में गुना कर दो, 2 4 8 4 ये होगा इनका डिटरमिनेंट निकालेगा क्या होगा, 4 2 8 8 4 32 क्या होगा -24। तो किस ऑप्शन में -24 है, नहीं है। चलिए ये इनका होगा 4a शायद होगा, समझ गया ना। अच्छा मिलान कर लेते हैं, इसमें डिटरमिनेंट ए का सब में गुना है, 4 ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन ए में क्या है 2 को सर बाहर भी तो कर 2 डिटरमिनेंट ए के 4 डिटरमिनेंट बी में क्या है 4 निकाले 2 4 9 8 -6 डिटरमिनेंट ए, सी में क्या है 8 डिटरमिनेंट ए -6, डी में क्या है इनमें से कोई नहीं, डी में है इनमें से कोई नॉन ऑफ यही है। तो देखिए इनका सही ऑप्शन क्या होगा, डिटरमिनेंट टू ए का मान तो मैंने 24 ना आ गया, अब हम क्या कर लेते हैं कि डिटरमिनेंट ए का मान निकाल लेते हैं। तो डिटरमिनेंट ए का मान बोलो क्या होगा, तो राइट साइड से हम क्या करते हैं गुणन करते हैं, सर वो 2a का दुखा 2 हो गया ना, 4 2 8 2 -8 -6 हो गया ना। अब देखिए तो डिटरमिनेंट ए का मान क्या हो गया -6 हो गया, तो इनको बोलिए 24 को हम क्या लिख सकते हैं 2 बाहर कर लेंगे तो 4 गुना -6 क्या लिख सकते हैं 4 गुना -6 तो 4 तो ही है गया, -6 किसका मान होता है डिटरमिनेंट, 4 डिटरमिनेंट हो गया, इनका सही ऑप्शन क्या होगा बी होगा। ये तो बताए हैं जी। अगला जो भी है ऑब्जेक्टिव है ये इस प्रकार से है cos थीटा माइनस साइन थीटा, उसके बाद साइन थीटा है ना, इनका जो है ट्रांसपोज निकालना है, समझ गया ना। तो मान लो इनको मैट्रिक्स हम क्या ये मान लेते हैं, ए का ट्रांसपोज क्या होगा बोलो थीटा, तो ये जो पहला रो है पहला कॉलम यानी कोस थीटा माइनस साइन, ये माइनस साइन थीटा है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा ये जो दूसरा रो है ये दूसरे कॉलम में आएगा, तो क्या होगा साइन थीटा और कोस थीटा, बोलो किस ऑप्शन में है ये बी, ये तो बी में है जी, ऑप्शन बी जो होगा इनका सही आंसर होगा। देखो ट्रांसपोज में क्या करते हैं, ये पहला मान जो है ना ये से उल्टा करके ये पहला कॉलम में दे दिए, समझ गया ना, दूसरा पाला रो जो है इनको हम क्या करते हैं प्रथम रो, इनको क्या करते हैं द्वितीय रो, समझ गया ना जी। तो प्रथम रो को प्रथम पंक्ति को हम क्या करते हैं प्रथम स्तंभ में दे देते हैं जी। ये अनानी छे ना, ये समझो कि अनानी एगो बांस से ठीक ना, अकड़ा गाड़ दिलिये अनानी बांस रे ठीक ना, की बांस पे उखाड़ के आया ना सीधा सीधी गाड़ दिलिये, फिर ये बांस रे ना अकड़ा हटा के आते गाड़ दिलिये, समझ गलो बड़ी बात नहीं। तो इसलिए ये कोस थीटा और माइनस साइन थीटा यहाँ आएगा, ये साइन थीटा यहाँ आएगा, कोस थीटा सब्जेक्टिव होगा, समझ गया डीवीआई सब्जेक्टिव। पहला सब्जेक्टिव
ये में क्या है माइनस वन लिखाते चलो वन माइनस वन दूसरा रो में क्या है थ्री माइनस थ्री 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 माइनस थ्री 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 फाइव माइनस फाइव फाइव माइनस फाइव फाइव ठीक है बी में है क्या जीरो फोर थ्री जीरो फोर थ्री थ्री वन माइनस थ्री माइनस थ्री वन माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस वन फोर फोर माइनस वन फोर फोर फाइंड ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ये फाइंड करना है तो देखो आपको जो है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर फाइंड करना है तो पहले ए स्क्वायर फाइंड करना होगा फिर क्या करना होगा बी स्क्वायर तब ना दोनों को गुणा करेगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान निकलेगा तो पहले तो ए स्क्वायर का मान फाइंड करो देखो एक समझाते उसके बाद हम फास्टली गुना कर देते हैं या नहीं तो समझते चलो अब देखो माइनस वन को किसके साथ गुना करेंगे माइनस वन के साथ माइनस वन किसके साथ गुना होगा तो यहाँ पर प्लस वन होगा फिर वन किसके साथ गुना होगा तीन के साथ कितने होगा तीन होगा तो यहाँ पर प्लस क्या होगा तीन माइनस वन के साथ माइनस पांच अब देखो फर्स्ट रो का जो एलिमेंट था फर्स्ट कॉलम के साथ क्रिया हो चुका है ना इनके साथ हो गया क्रिया अब कौन बचा है इन बचा है इनका जो सब एलिमेंट है इनके सभी के साथ गुना होगा तो माइनस वन किसके साथ गुना होगा तो यहाँ पर क्या होगा माइनस वन फिर वन किसके साथ गुना होगा तो माइनस तीन फिर माइनस वन किसके साथ गुना होगा माइनस फाइव तो प्लस फाइव फिर माइनस वन किसके साथ गुना होगा माइनस वन के साथ तो प्लस वन फिर वन किसके साथ गुना होगा तो प्लस क्या होगा फिर माइनस वन किसके साथ गुना होगा माइनस फाइव तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस फाइव अब देखो ये जो पहला रो था इन सभी एलिमेंट के साथ क्रिया हो गया सभी कॉलम के साथ क्रिया नहीं हो गया जी अब हम किस में आएंगे दूसरा रो किसमें आएंगे दूसरा रो को तीनों कॉलम को जो है बारी बारी से हम गुना करेंगे समझ गया ना दूसरा रो के जो एलिमेंट है तीनों कॉलम के संगत एलिमेंट के साथ हम क्या करेंगे बारी बारी से गुना करेंगे तो तीन को किसके साथ गुना करेगा माइनस वन तो क्या होगा माइनस तीन अब ये माइनस तीन को किसके साथ गुना करोगे देखो तीन माइनस वन के साथ गुना किए हैं अब माइनस वन के बाद क्या आएगा तीन आएगा जी तीन की दबारी इसका बात काम हो गया तो अब किसको गुना करोगे जैसे इनका ये दूसरा एलिमेंट है उसी प्रकार से नहीं इक्वल फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट है जी हैं दूसरा कौन दूसरे के साथ करेंगे तीसरा कौन हम तीसरे के साथ गुना करेंगे तो माइनस तीन किसके साथ गुना होगा तीन के साथ तो क्या होगा माइनस नौ फिर तीन किसके साथ गुना होगा तो पांच तिया क्या होगा पंद्रह हो गया अब यहाँ का जो एलिमेंट लिखेंगे इसका नाम क्या होता है ए टू टू ये क्या होता है ए टू टू यानी दूसरा रो दूसरा कॉलम तो दूसरा रो को दूसरे कॉलम के साथ गुणा करो तो दूसरा रो यही हुआ और दूसरा कॉलम क्या हो गया ये हो गया दूसरा रो ये दूसरा कॉलम ये तो तीन को किसके साथ गुणा करेंगे वन के साथ तो क्या होगा तीन फिर माइनस तीन को किसके साथ गुणा करोगे तो क्या होगा प्लस नौ फिर तीन को किसके साथ गुना करोगे माइनस तो पांच तिया क्या होगा
अब देखो यहाँ का जो एलिमेंट है इसका नाम क्या होता है, A23 दूसरा रो तीसरा कॉलम। सिंपल बात है, ये दूसरा रो है, ये क्या है तीसरा कॉलम, इस एलिमेंट का नाम क्या होगा A23। तो देखो ये तीन को किसके साथ गुना करो, माइनस वन के साथ, तो क्या होगा माइनस तीन। फिर माइनस तीन को किसके साथ गुना करोगे, तो तीन तिया क्या हो गया माइनस। फिर देखो तीन को किसके साथ गुना करोगे, तो तीन बचे क्या होगा पंद्रह हो गया। अब देखो ये जो अब बच गया है ये किस कौन कोला तीरो होगा, तीसरा रो होगा, तीसरा रो। तो यहाँ के एलिमेंट का नाम क्या होगा, क्योंकि तीसरा रो है तो थ्री तो होगा ही, और ये कौन कॉलम है A31, क्या होगा A31, यानी तीसरे रो को पहले कॉलम के साथ गुना करना। तो तीसरा रो ये, पहला कॉलम ये, तो पांच गुना क्या होगा माइनस एक, माइनस पांच हो गया। फिर पांच गुना क्या होगा तीन, पांच तिया पंद्रह, फिर पांच गुना क्या होगा पांच पच्चीस, पच्चीस पच्चीस हो गया ना। अब यहाँ के एलिमेंट का नाम क्या होगा A32, यानी तीसरा रो दूसरा कॉलम। तो पांच गुना एक क्या हो गया पांच, पांच तिया पंद्रह, पंद्रह पांच छह पच्चीस, पच्चीस फिर पांच गुना माइनस पांच, माइनस पांच गुना माइनस पंद्रह, पांच गुना पांच क्या होगा जोड़ो कितना होता है सेमी। देखो तीन एक चार, में से पांच घटाएगा क्या होगा माइनस एक। फिर देखो तीन एक चार, चार पांच में से चार गया एक हुआ। फिर देखो तीन एक चार, चार में से पांच गया माइनस एक, नौ तीन बारह, बारह में बारह जो है पंद्रह में से घटेगा क्या होगा तीन होगा, और नौ तीन बारह में से पंद्रह गया क्या होगा माइनस माइनस तीन। ये तो ऊपर वाले एक मान को लिखना, तो वैसे ही आ रहा है जी, वैसे ही आ रहा निकाले। तो फाइव माइनस माइनस पांच, पांच हो गया। अब देखो बी स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे बी इंटू बी। अच्छा इसको गुणा करके कितना मान आता है निकाले का, निकालना पड़ेगा इसको। तो चलिए तो जीरो जीरो फोर थ्री वन माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस वन फोर फोर मैट्रिक्स आ गया। गुना कीजिए, जीरो को जीरो से गुना करेंगे क्या होगा, चार को एक से गुना करेंगे क्या होगा चार, फिर तीन को एक से गुना कीजिए क्या हो गया माइनस तीन, फिर जीरो को चार से गुना कीजिए जीरो, चार को तीन से गुना कीजिए तो माइनस बारह, फिर तीन को चार से गुना कीजिए प्लस क्या होगा बारह, फिर जीरो को तीन से गुना कीजिए जीरो, चार को तीन से गुना कीजिए माइनस बारह प्लस बारह। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है क्या जी सर। फिर इसमें तो फाइनली है जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। चलो सब क्रिया करिए देते हैं, वन को वन से गुना कीजिए, ये वन को जो है जीरो से गुना कीजिए जीरो हो गया। उसके बाद जो है माइनस तीन को प्लस वन से कीजिए माइनस तीन, माइनस तीन को माइनस एक से गुना कीजिए प्लस तीन। फिर देखिए यहाँ का एलिमेंट लिखना, इस एलिमेंट का नाम क्या है A22 यानी दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा कॉलम। तो वन को किससे गुना करना होगा चार से, चार हो गया। फिर माइनस तीन को माइनस तीन क्या होगा प्लस नौ। फिर इनको क्या किनसे गुना करना है चार से, तो तीन चौके। फिर देखो अब यहाँ का एलिमेंट लिखना है, इस एलिमेंट का नाम क्या होता है
ए थ्री सॉरी ए टू थ्री ए टू थ्री दूसरा रो तीसरा कॉलम दूसरा रो ये तीसरा कॉलम ये एक को तीन के साथ गुना करो तीन माइनस तीन को माइनस तीन के साथ गुना करो प्लस नौ माइनस तीन को ये माइनस माइनस नहीं है प्लस चार है तो चार तिया क्या हो गया फिर यहाँ का एलिमेंट का नाम होता है थ्री वन थ्री वन तो माइनस वन को जीरो के साथ गुना करो जीरो चार को एक के साथ गुना करो चार फिर माइनस वन को माइनस फोर फिर जो है चार को जो है इसके साथ गुना करना तो चार तिया बारह बारह हो गया चार चौके प्लस सोलह उसके बाद देखो फिर माइनस वन को माइनस तीन के साथ गुना करो माइनस तीन चार को माइनस तीन के साथ गुना करो माइनस माइनस जो है चार तिया माइनस बारह चार को चार के साथ गुना करो चार चौके सोलह तो देखो चार में से तीन गया एक यानी यहाँ पर जीरो जीरो वन जीरो 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 मैट्रिक्स हो गया आइडेंटिटी नहीं हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखो यहाँ तक कवर कर रहा है जी सर पूरे कर रहा है पूरे अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान फाइंड करना है ना जी ए स्क्वायर और यहाँ पर क्या है बी स्क्वायर ए स्क्वायर हो ये गया बी स्क्वायर का मान क्या हो गया आई नहीं हो गया जी तो आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनका मान क्या होता है वन नहीं होता है तो बराबर क्या हो गया ए स्क्वायर ए स्क्वायर गुना एक क्या होगा ए स्क्वायर होगा क्योंकि बी स्क्वायर का मान क्या हुआ है एक हुआ है बी स्क्वायर का मान क्या हुआ है एक हुआ है ए स्क्वायर का मान क्या है ए स्क्वायर का मान है वही माइनस वन वन माइनस वन माइनस वन वन माइनस वन थ्री माइनस थ्री थ्री फाइव माइनस फाइव 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 माइनस फाइव फाइव आंसर आ गया ना